राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भी 12वीं पास हो तो आपसे के लिए अच्छी कुछ खबरें आ चुकी है दोस्तों। इंडियन आर्मी में ओपन भर्ती निकल चुकी है। कौन कौन से भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी एज रहेगी और कौन कौन सी कैटेगरी में आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। अगर आप यह पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत देखें दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 में रिक्रूटमेंट भर्ती निकल चुकी है। ओनली अनमेड मेल कैंडिडेट्स भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपसे भी ऑनलाइन आवेदन की बात करें दोस्तों, 10 अगस्त से आपसे भी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस भर्ती के लिए दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल, ठीक है। एज की बात करें दोस्तों आपकी, यहाँ पे 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष के कैंडिडेट्स भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। जॉब अपलीकेशन की बात करें, ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी जॉब यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें, 90 पोस्ट पे आपकी ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें एजुकेशन की बात करें दोस्तों, अगर आपने प्लस टू पास कर रखी है, ठीक है, अगर आपने प्लस टू पास कर रखी है, अगर आपने प्लस टू में आपके 70% अंक है, अगर आपने प्लस टू में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपने प्लस टू कर रखी है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल की बात करें, आपको 56,500 यहाँ पे स्केल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। प्लस टू टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 के तहत आपकी भर्ती निकली है और इस भर्ती में दोस्तों ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट्स भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी दोस्तों इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे भी 10 अगस्त से इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ओनली मेल कैंडिडेट्स भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष के कैंडिडेट्स भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि 44 के तहत आपकी भर्ती निकली है। अनमेड कैंडिडेट्स भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।